भारी बहुमत से बनानी है। अभी बहुमत है उससे कहीं ज्यादा बहुमत से सरकार बनाई है। कौन है ये राजनीतिक? मैंने कहा अच्छी बात है, तारी बेटे ना करो, मैं सुनिए शांति। इसके दुनिया के आपको बोलने के लिए जो जनता में डालू उसी को भी तो ये आज आपको बधाई देते हैं नौजवानों को और धन्यवाद भी देते हैं, चाहे बेटियां हो चाहे नौजवान सब हो, कि गर्मी के मौसम में आप बहुत करीब भेजेंगे। हो सकता कहीं खाने के प्रबंध न हो, कहीं भूखे रहना पड़े, तो मैं कहूंगा कि एक आपसे हवाई का फैसला लो, कौन लेता होगा। अगर मैंने कहा था रुपया तुम्हारा लेता कौन है, जो लेता हो ताजा करेंगे, वो कहीं भी नाश्ता कर सकते हो, कहीं पैसे का भाव हो तो फिर सुविधा ज्यादा ना फिर करेंगे तुम। लेकिन बधाई इसलिए है कि इतनी गर्मी में आप दूर के साथ पार्टी को आगे चुनाव जीतने के लिए प्रचार करेंगे और प्रचार करेंगे क्या नीतियों के आधार पर और पिछली सरकार की जो कारी है कि जो वायदा किया था चुनाव में वो पूरा का पूरा वायदा कर दिया, उससे ज्यादा काम कर दिया। मेट्रो का वायदा नहीं था वो कर दिया, आगरा से लेकर के आपके लखनऊ तक की सड़क इक्का दुकान भूखा पत्र नहीं था वो भी कर दिया। आगे में था मैंने यहां नहीं कहा, लोकसभा में कहा, एक दल के नेता बोले, अन्य सूबों के बारे बोले और पब्लिक के बारे बोले, तो मैं खड़ा हो गया। हम आपको गरीब जानकारी है, नेता हो तो मैंने ऐसा भी शब्द हो गया बहुत कड़ा। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी चल रही, मैंने कहा सदन के अंदर चैलेंज सेवा ध्यान रखा होता है, लेकिन मजबूरी में आप हमें ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ हिंदुस्तान में सबसे अच्छी सरकार को करने और इसलिए हमारे गरीब, हमारे बेरोजगार, हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं जितनी सुविधा उत्तर प्रदेश में दी गई है हिंदुस्तान में तालों किसी से कामयाब रही है और जो चुनाव होता पर पढ़ो ना घोषणा पत्र पढ़ते नहीं आप, चुनाव घोषणा पत्र में जो जो बात लिखी हुए पूरे पहले हो गए दो साल पहले, इसके अलावा और अच्छे काम कर। लेकिन दिक्कत एक हमारे सामने है, मैंने इसलिए इसको भी कहा कि हमारी जिला पार्टियां कभी नहीं मीटिंग करती और बधाई देती है सरकार को, मुख्यमंत्री को के चुबाने के लिए मुख्यमंत्री के लिए आज हम आपको बधाई देते हैं जिला कमेटी की तरफ से। हम ये करते थे, सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष ही होता था, मेरे चंद्रशेखर होता था, हम चंद्रशेखर जी थे तो अच्छे काम होते थे, तो लोहिया जी को भी, राजनाथ जी को, रामचंद्र यादव को और कर्पूरी ठाकुर को पात्र थे। क्या आपको बधाई, आपने अपने हित में ये काम किया, एक ने भी चिट्ठी नहीं लिखी, न हमें लिखी ना देश को लिखी कि सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, क्यों नहीं लिखते हो। दूसरी बात, क्या ये कमजोरी है, हमारी बेटियां आई हैं, हमारी बेटियों की तादाद कम क्यों है, आप सोचना अपने मन में, लड़कियां क्यों नहीं आई और लड़कियों ने पिछले चुनाव कितना काम किया था, गांव गांव घूम रही के हमें सभा करने जा रहा था हिंदुओं का, तो सैकड़ों की काला महिला लड़कियां प्रचार कर रही थी, इसके मतलब क्या है, प्रचार से कम से कम लड़कियां भी पात्र होनी चाहिए, क्योंकि आप लड़के आप सुनिए अमेरिका की कमी
आप लोग लड़कियों का सम्मान नहीं करते, उन्हें बढ़ावा नहीं देते, उनको टीचर नहीं करते। किसका प्रभाव है? और आज हम लोग आज ऐसे चलता कि हम लोग कई महिलाएं आ जाती हमारे घर पर, तो हम नहीं मिलना चाहते तब भी हम उनको बुला लेते और मिलते हैं, पार करते हैं। इसे आज आप कहना चाहते हैं कि जो पार्टी की नीतियां हैं, सात क्रांतियां हैं, उन सात क्रांतियों को मैंने कई बार कहा तो पढ़ो, सात क्रांतियां पढ़ोगे तो समाजवाद सही है। दुनिया ने सात क्रांतियां लिखी थी और क्रांति में पहला था कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा, जात पात के नाम पर और काली गोरे के नाम पर और लड़के महिला और पुरुषों के नाम पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, कौन दक्षिण का है, कौन पूर्व का, कहाँ पश्चिम का, कहाँ उत्तर का, इसे पढ़े ना सात क्रांतियां हैं पाठ के अंदर। तो अगर वो पढ़ोगे और सबसे पहले उन्होंने कहा था और समाजवादी पार्टी ने हम लोग रहकर काम किया और अपनी कौन है भाई कि मुसलमानों की उपेक्षा बहुत हो रही, भ्रष्टाचार पिछड़ गया मुसलमान, पढ़ाई में मुसलमान, पढ़ाई में नौकरी में, आपने देखा जब पूरी भारतीय हमारे जमाने में हुई तो मैंने साफ कह दिया कि इतने परसेंट मुसलमान होना।